जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आध्यात्मिक चैनल है, साथ में हम लोग आपको ज्योतिषी सलाह मशवरा देते हैं, आपकी कुंडली बताते हैं, आपका हाथ देखते हैं, फेस रीडिंग करते हैं और आपको जो भी हमारे से समस्या का समाधान बनता है हम आपको बताते हैं। बहुत सारे हमारे ईश्वर के जो उपाय हैं पड़े हुए हैं नेट पे, जिसको हम बताते हैं। और आज उसी श्रृंखला में मैं भगवान श्री गणेश महाराज की एक प्रेयर लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार का दिन है और भगवान श्री गणपति महाराज के लिए आप क्या कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में संकट आ गया है तो गणपति भगवान से अच्छा कोई भी नहीं है, भगवान संकट हरते हैं आपके। तो आपको क्या करना है, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, कुछ भी हो सकती है परेशानी, चाहे आपके नौकरी में परेशानी आ रही हो, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आ रही हो, आपका व्यवसाय में परेशानी आ रही है, जॉब में परेशानी आ रही है, लव मेट्स के बीच में परेशानी आ रही है, परेशानी कोई भी, तो आपको क्या करना है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको सिंदूर खरीद के लाना है, सिंदूरी रंग का, यानी कि ऑरेंज कलर का सिंदूर लाना है और अपने घर में या मंदिर में भगवान गणेश को आपको उसे अर्पित करना है। यदि आप भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी समस्याएं ख़त्म होती हैं। यदि आपसे पॉसिबल हो तो किसी मंदिर में जाके अगर आप भगवान श्री गणपति महाराज को सिंदूर का दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो मंदिर होता है उसकी जो ऑरा होती है वो बहुत पवित्र होती है, वहाँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घूमती है। तो अगर आप मंदिर में करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप मंदिर में इस काम को करें। और घर पे कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है तो घर पे कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुधवार को ही करिए, आप इसको 11 दिन 21 दिन लगातार कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा कम से कम बुधवार के दिन तो भगवान गणेश के दर्शन आप मंदिर में ज़रूर करिए और उनको हरी दुर्वा जरूर चढ़ाइए। घर पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप रोज़ ही गणेश जी के दर्शन करके उन्हें हरी दुर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार यानी बुधवार को मंदिर में जरूर जाके भगवान के दर्शन कीजिए। इससे आपका दिन शुभ होगा, अच्छा होगा। एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना हो, मन में कोई इच्छा है, तो उस इच्छा को बोलते हुए गणेश जी के मंदिर में कम से कम 7 बुधवार तक गुड़ के भोग लगाइए, यानी कि गुड़ जो होता है उसको लीजिए और 7 बुधवार तक संकल्प ले लीजिए कि हे गणेश जी, मैं चाहता हूँ, किया चाहती हूँ, मेरा वो कार्य पूरा हो फला फला। और फिर आप 7 बुधवार जो है गुड़ चढ़ाइए। एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप ये भी मान सकते हैं कि जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं हर बुधवार चढ़ाऊँगा, तो आप हर बुधवार गुड़ चढ़ाइए। ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। एक चीज़ और है कि यदि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है, तो गणेश रुद्राक्ष आता है उसको आप मंगा लीजिए और उसको पहनिए। ये आपके कामों को पूरा करेगा, मनोकामना को भी पूरा करेगा, आपके काम में आने वाली हर विपदा को दूर करेगा। इसे भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, भगवान गणेश को अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले भगवान गणेश को मन्नत बोल के मूंग की दाल के, मूंग होता है ना मूंग, उसके लड्डू आते हैं, उसके लड्डू बनाइए या बाज़ार से लीजिए और से चढ़ा दीजिए भगवान को। ऐसा करने से भी आपके दिन में अच्छी बरकत आएगी और आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में या परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। और हर बुधवार को यदि आप गाय को हरी घास खिलाएंगे तो आपका दिन वैसे भी मंगलमय और शुभ में होगा। ये कुछ बुधवार के मैंने आपको उपाय बताए हैं भगवान श्री गणपति महाराज के। इसे आप कीजिए, आपको फ़ायदा होगा और ज़रूर से करिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह की समस्या अगर है तो वॉइस मैसेज कीजिएगा 8126476399 पे। कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल नहीं उठा पाती हूँ मैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।